दो, एक तो वैक्सीनेशन का मैं कहूंगा, जहां जहां भी लोग एलिजिबल हैं जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। वैक्सीनेशन में बॉर फुटिंग भी लेना चाहिए, क्योंकि एक वैक्सीनेशन हो जाती है उससे ये होता है कि पेशेंट इवन आफ्टर फर्स्ट इंजेक्शन ऑल्सो आफ्टर सम डेज एक बीमारी की सीरियसनेस कम होती है। तो यही बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत ना पड़े, कोई लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो, एक तो मैं कहूंगा ये करना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूँ कि देखो थोड़ा सा ठीक है, ऑक्सीजन की गवर्नमेंट इतनी एफर्ट कर रही है और आई डोंट थिंक इतना, पर इतना लोगों को डराना भी नहीं चाहिए मैडम। देखो बिकॉज ये जितना हम कहेंगे लोग कहेंगे पता नहीं क्या है, ठीक है देयर मे बी लोकलाइज प्रॉब्लम इन सम प्लेसेस, वी कैन आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज डूइंग सो गेट्स ए ग्रेट जॉब एंड ट्राइंग टू हैंडल। ये सारा क्या हुआ है कि विद इन ए फ्यू वीक सर्ज हो गया है, विद इन ए फ्यू डेज, आई थिंक इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इन द मेडिकल कम्युनिटी के 4-5 दिन के अंदर ही इस तरह ब्लास्ट से केसेस हो गए हैं। This has taken us all by surprise, but I must say that things are, I mean, everybody is making huge effort, both states and the central government. तो ठीक है, बाकी जो दवाई की बात करिए रेमडेसिविर, देखिए हमें ये भी है, देखो जो साइंस शो कर रही है, जी साइंस में ये तो पक्का है, एविडेंस है कि दवाई से कोई बचता नहीं है, सिर्फ ये कि दवाई लेने से कुछ दिन की बीमारी कम हो सकती है। तो इसलिए कोई ऐसे डरने की भी ये दवाई नहीं है, तो बिकॉज जी एक मॉर्टेलिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करती। दीज आर स्टडीज अवेलेबल फ्रॉम लार्जर स्टडीज, WHO की है, रिकवरी स्टडी है, सो ऑल दीज इंडिकेटर्स। तो हमें उस तरह भी जी ज्यादा बिना बात के थोड़ा घबराना नहीं जी चाहिए। आई फील दैट आई ठीक थिंक ठीक है नेक्स्ट डॉक्टर तलवार जी, डॉक्टर तलवार जो आप कह रहे हैं बहुत जी बिल्कुल बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों को ऐसे वक्त पर डराना भी नहीं है। कई लोग जानबूझकर खबरों से सोशल मीडिया से दूर रह रहे हैं, ऐसे भी परिवार हैं जो हमें टच में आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम डरना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप उसके बारे में भी सोचिए जिसके घर में कोई बीमार हो गया हो, डॉक्टर उसको लिखे कि आप ये दवा ले लीजिए और वो दवा दुकान पर ना मिले, तो हमें एक व्यक्ति एक मरीज की जो मानसिक परेशानी होती है उसका भी इलाज खोजना होगा। डॉक्टर्स फिर ये दवा क्यों लिख रहे हैं अगर इसकी जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ी कहानी है और सवाल यही पर खत्म नहीं होता। एक ब्रेक के लिए मैं जरूर रुक रही हूं, लेकिन मैं आपके पास भी रोहन जी ब्रेक के बाद आऊंगी। राज्य सरकारों की क्या कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है? क्या अंत में सिर्फ ये केंद्र वर्सेस राज्य बन के एक लड़ाई बन रह जाएगी? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।